आजकल के मॉडर्न डे की वास्तुशास्त्र की प्रैक्टिस कहीं ना कहीं वैदिक प्रिंसिपल से विहीन यानी कि डिवॉइड होती जा रही है, जिसकी वजह से इस शास्त्र की क्रेडिबिलिटी अफेक्ट हो सकती है। वैदिक वास्तुशास्त्र 5 प्रिंसिपल्स पर आधारित है। नंबर 1, सिद्धांत और संहिता। किसी भी सब्जेक्ट की फिलॉसफी को सिद्धांत कहा जाता है और उससे रिलेटेड स्क्रिप्चर्स, टेक्स्ट एंड सूत्रास को संहिता कहा जाता है। नंबर 2, होलिस्टिक यानी कि परिपूर्ण। वैदिक वास्तुशास्त्र की अप्रोच होलिस्टिक है और ये ग्रह, दिशा, तत्व, देवता और ऊर्जा 5 को साथ में लेके चलता है। नंबर 3, द त्रिस्तंभ ऑफ वैदिक वास्तुशास्त्र। भोगाद्यम, सुख दर्शम और रम्यम, ये वैदिक वास्तुशास्त्र के 3 स्तंभ हैं जो किसी भी भवन में या किसी भी स्पेस में होने चाहिए। नंबर 4, द कॉन्सेप्ट ऑफ दिक काल यानी कि डायरेक्शन और समय का समागम, द स्पेस एंड टाइम कॉन्टिन्यूम। एंड नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द रिचुअलिस्टिक आस्पेक्ट ऑफ वैदिक वास्तुशास्त्र, यानी कि किसी भी संकल्प को फलीभूत करने के लिए जो अनुष्ठान यूज किए जाते हैं वो भी वैदिक वास्तुशास्त्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इनसेपरेबल पार्ट है। हाय, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर वैशाली गुप्ता एंड आई एम द फाउंडर ऑफ द वैदिक वास्तु हब। वैदिक वास्तु हब की फॉर्मेशन मैंने इसलिए करी है क्योंकि मैं वैदिक वास्तुशास्त्र की नॉलेज को, उसकी जो अवेयरनेस है, उसको अपने ऑनलाइन कोर्सेज और वीकली वेबिनार के माध्यम से घर घर तक पहुंचाना चाहती हूं। और इसी के बारे में और गहराई से बताने के लिए मैं लेकर आ रही हूं अपना एकदम निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार, जिसको ज्वाइन करके आप वैदिक वास्तुशास्त्र की गहराई और उसके पावर को समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि ये शास्त्र कितना प्राचीन, कितना पारंपरिक, कितना परिपूर्ण और कितना सशक्त है। तो अगर आप भी इस नॉलेज से रेजोनेट करते हैं, अगर आप भी वैदिक वास्तुशास्त्र में रुचि रखते हैं, तो मेरे इस वेबिनार को नीचे दिए गए लिंक से क्लिक करके तुरंत ज्वाइन करें। ये जो वेबिनार है, ये बहुत ही लिमिटेड टाइम ऑफर है और इसमें जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड होंगी, तो बिना ज्यादा समय गवाए बिना क्लिक करें और अपनी सीट को रिजर्व करें। मुझे आपका इंतजार रहेगा।